हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल दैट इज मैगनेट ब्रेन्सूडेंट्स यहाँ किंडर गार्डन मीन के जी से क्लास ट्वेल्व तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है दैट टू हंड्रेड परसेंट फ्री ये स्टूडेंट्स और अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई e बुक्स भी मिलेंगे और हाँ स्टूडेंट्स इन बुक्स और ई e बुक्स में जो कॉन्टेंट है उसे और ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स एम सी क्यू बुकलेट्स थ्योरी बुकलेट्स एंड मैनी मोर तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये बुक्स और ई e बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी ओके स्टूडेंट्स तो चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई हम कर रहे हैं क्लास फोर की मैथ्स की वर्कशीट यस माय डियर क्लास फोर स्टूडेंट्स और आज हम करेंगे आपकी चैप्टर नाइन की वर्कशीट यस सो व्हाट इज हाफ्स एंड क्वार्टर्स सो हाफ मींस हाफ ठीक है कोई भी चीज एक फुल है उसका आधा मतलब हाफ ठीक है एंड क्वार्टर क्वार्टर्स क्वार्टीन या तो वन बाय फोर या थ्री बाय फोर वन बाय फोर क्या होगा आधे का भी आधा ठीक है और थ्री बाय फोर क्या होगा आधे से और थोड़ा वन बाय फोर ठीक है मीन हाफ प्लस इज थ्री बाय फोर राइट स्टूडेंट्स तो चलो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाफ एंड क्वार्टर्स ओके चलो यस सो लेट्स डू द एक्सरसाइज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर हाफ ऑफ ईच ऑफ द गिवन फिगर्स हमें क्या करना है यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हमारे सामने ठीक है हमें उनके हाफ पार्ट को कलर करना है ठीक है राइट right, स्टूडेंट्स तो देखिए ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमें मालूम है ये जो लाइन बीच में बनी है ये ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ठीक है तो आपको इसके हाफ पार्ट को कलर करना है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस वाले आपको हमें किस में कलर करना है हाफ में इन जितने भी फिगर्स हमारे पास हैं उनके हाफ को पूरे पूरे आधे पार्ट को कलर करना है तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्राइंगल इसके हम हाफ पार्ट को ऐसे कलर कर देंगे राइट स्टूडेंट्स तो लाइक दिस यू विल कलर दी हाफ पार्ट ओके अंडरस्टैंड लुक किया ये ट्राइंगल था हमने इसके हाफ पार्ट को कलर कर दिया सेम हियर दिस इज द स्क्वायर आप स्क्वायर के हाफ पार्ट को कलर करना है तो आप ये वाले पार्ट में कलर कर सकते हैं Understood? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये तो ट्राइंगल है ये हमारा स्क्वायर है। अब हमारे पास है सर्कल्स अब ये एक सर्कल नहीं है हाउ मेनी सर्कल्स वी आर काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है वी आर हैविंग एट सर्कल्स अब मान लीजिए अगर मैं यहां बीच में से एक लाइन ड्रॉ करती हूं तो ये पूरा का पूरा फिगर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया दिस दिस इज इज हाफ हाफ पार्ट पार्ट एंड ओके फोर सर्कल्स आर द लाइन एंड फोर सर्कल्स आर बिलो द लाइन ओके तो आप इसमें से हाफ पार्ट में कलर कर दीजिए माने इन जितने भी सर्कल्स हैं इनमें आप कलर कर सकते हैं अंडरस्टूड कि अगर आपके पास ऐसे फिगर आए तो आप उसका हाफ कैसे करेंगे राइट right? आप टोटल काउंट करिए हमें मालूम था कि हमारे पास एट सर्कल्स है हमें मालूम है एट का हाफ होता है फोर तो फोर अब द लाइन एंड फोर बिलो द लाइन तो कोई भी आप हाफ को कलर कर सकते हो मे बी अब द लाइन और मे बी बिलो द लाइन अंडरस्ट चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यस नाउ हियर इट इज कलर वन बाय फोर्थ

अब हमारे पास जितने भी पार्ट्स है ये 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 चारों इक्वल पार्ट है और हमारे पास फोर पार्ट हो गए तो ये हो गया इसका एक जो पार्ट कहलाता है, चौथाई किसी भी चीज का वन बाय फोर्थ क्या होगा आधे का भी आधा अब बताओ ये हाफ है और हाफ का भी आधा कहलाएगा वन बाय फोर ओके स्टूडेंट्स तो यहां हम वन बाय फोर को कलर कर देंगे लाइक दिस अंडरस्टूड तो दिस इज दिस इज वन फोर्थ पार्ट ऑफ द फुल सर्कल ठीक है अंडरस्टूड में आया क्या होगा यस yes? तो so, ये है सर्कल का ठीक है अब ये है हमारे पास लीव्स तो so, हम काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितनी लीव्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो हाउ मेनी लीव्स वी आर टोटल एट लीव्स राइट right. अब एट का हाफ क्या होगा एट का हाफ होगा हमारे पास फोर अंडरस्टूड आठ का आधा इन लीव्स का हाफ क्या होगा फोर लीव्स एट लीव्स का हाफ फोर लीव्स अब मैडम ने बताया आपको वन बाय फोर क्या होता है आधे का भी आधा हाफ का भी हाफ ठीक है तो मान लो ये जो फोर है फोर का हाफ क्या होगा टू है ना फोर फिंगर्स अब मान लीजिए एट फिंगर्स है मेरे पास मैं बोलू इनका हाफ मुझे निकालना है तो eight का half हुआ four, और four का half हुआ हुआ और तो इन eight, जो हमारे पास हैं इनका अगर हम one by four leaves तो हमारे पास होंगी टू लीव अंडर देखें तो वी विल कलर दीस टू लीव राइट स्टूडेंट्स वी विल कलर अस् टू लीव्स ओके सो वन बाय फोर एट का वन बाय फोर होगा टू अंडरस्टूड अच्छा अगर आपको ये निकालना है तो कैसे निकालोगे देखो आपको सिंपल सा ट्रिक बताती है ठीक है आपको इसका आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैडम एट का वन बाय फोर क्या होगा तो आप कैसे निकालोगे एट मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर ठीक है एट मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर अब यहां एट के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं एट के नीचे वन ठीक है एट के नीचे कुछ नहीं है ये फ्रैक्शन है एट बाय वन वन बाई फोर फ्रैक्शन है ठीक है अब क्या होगा अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो वन वन झा वन फोर एट झा फोर को एट जा लेकिन क्या होगा यहां पे कट जाएगा ठीक है तो फोर टू झा एट अंडरस्टूड तो हियर द आंसर इज टू ठीक है स्टूडेंट्स तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है एक बार मैं आपको फिर से बताऊं लुखिया यस yes, हमारे पास एट है हमें एट का वन बाय फोर निकालना है तो एट मल्टीप्लाई बाय अपॉन फोर ठीक है एट यहां पे कुछ नहीं है एट के नीचे तो हम वन एज्यूम कर लेते हैं अब हमें क्रॉस में इसको कट करना है तो वन वन कट जाएगा फोर टू जट तो ये आंसर इज टू नीचे वन कुछ भी नहीं वन है तो नीचे वन का मतलब कुछ नहीं होता तो आंसर विल बी टू तो आ गया ना हमारा टू तो एट का वन बाय फोर इज टू अंडरस्टूड कैलकुलेट करना आया आपको ऐसे आप किसी भी नंबर का वन बाय फोर्थ कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ हमने दोनों फिगर्स के वन बाय फोर्थ पार्ट को कलर कर दिया राइट right? चलो आगे बढ़ते हैं यस नाउ द नेक्स्ट वन इज कलर थ्री बाय फोर ऑफ ईच ऑफ द गिवन फिगर्स अब यहाँ पे जो हमारे पास टू फिगर्स हैं हमें इनका थ्री बाय फोर्थ कलर करना है ठीक है कितना कलर करना है हमको थ्री बाय अब मैम ने आपको हाफ बताया हाफ वन बाय टू और वन बाय टू का भी हाफ वन बाय फोर अब थ्री बाय फोर क्या होता है सो हियर दिस इज द फिगर ये सर्कल को अगर हम फोर पार्ट में डिवाइड करें तो इसका ये वाला पार्ट जो होता है मीन्स दिस पार्ट ये पूरा पार्ट कहलाएगा थ्री बाय फोर ठीक है माने वन बाय फोर्थ को अगर निकाल दो तो जितना बच रहा है डेट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स ठीक है तो हाफ में और वन बाय फोर एड कर दो तो हो जाएगा थ्री बाय फोर अंडरस्टूड तो थ्री बाय फोर आपको समझ में आया पूरे सर्कल का हाफ अगर वन बाय फोर्थ आपने निकाल दिया तो जितना पार्ट बच रहा है दैट इज थ्री बाय फोर्थ अंडरस्टूड चलो अब देखते हैं हम लीफ ठीक है हमारे पास एक लीफ का फिगर है ठीक है इसमें वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लीव है हमारे पास तो सिक्स का हाफ होगा थ्री ठीक है सिक्स का हाफ कितना होगा थ्री अंडरस्टूड लेकिन हमको हाफ से और ज्यादा चाहिए माने हाफ के बाद वन बाय फोर और चाहिए ठीक है तो हाफ के बाद वन बाय फोर अगर हम लेंगे तो देखो हाफ तो ये थ्री हमने ले लिया लेकिन हमें वन फोर और चाहिए तो आप कैसे कलर करोगे देखो एक तो हमारे पास ये वाली लीव कलर हो गई ये अभी हमने हाफ लीव को कलर कर दिया है ठीक है अब थ्री का भी हमको वन बाय फोर करना है अंडरस्टुंड माने थ्री का भी जो हमारे पास हाफ है उसका भी वन बाय फोर्थ हमको ले लेना है तो कैसे लेंगे ये 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 पूरी लीफ हो गई और ये आधी लीफ हो गई। तो ये हो हो गई गई और आधी तो गया हमारे पास थ्री फोर्थ अंडरस्टूड स्टूडेंट्स यस हाफ क्या हुआ थ्री लीव उसके बाद थ्री हमारे पास बच रही थी उस थ्री का भी हम आधा जब लेंगे तो हमारे पास पूरा थ्री बाय फोर होगा ठीक है तो ये थ्री का भी हमने थ्री का हाफ कितना होता है वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव ठीक है तो हमने ले लिया ये वन पॉइंट फाइव माने एक और आधा वन पॉइंट फाइव माने वन एंड वन पॉइंट वन पॉइंट टू अंडरस्ट तो ये हो गया हमारा थ्री बाय फोर्थ पार्ट समझ में आया आपको कैसे हमको थ्री बाय फोर मिला ठीक है स्टूडेंट्स हमने पहले सिक्स लीव्स का एक बार देखे मैं फिर से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ हमारे पास सिक्स लीव्स थी ठीक है सिक्स का आधा होता है थ्री अंडरस्टूड लेकिन हमको कलर करना है थ्री बाय फोर मानी जितना पूरा पार्ट है उसका सिर्फ वन बाय फोर्थ निकाल दो और बाकी पूरे पार्ट को हमें कलर करना है तो सिक्स का होता है हाफ थ्री तो हम सबसे पहले तो हाफ को कलर कर लेंगे बच गया कितना हाफ हाफ बच गया हमारे थ्री लीव्स बच गई अब उनमें से भी जैसे मैम ने आपको ये चीज बताई थी ये 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 पूरा मिला के होगा थ्री बाय फोर तो अभी मैडम ने आधा ले लिया और आधा जो बचा है उसका भी आधा मिला के थ्री बाय फोर होगा अंडस्टुण? तो ये जो थ्री बच रहा है इसका आधा कितना होगा एक पूरी लीव और एक आधी लीव Understood students? तो ये हो गया हमारा थ्री बाय हमने जो कलर नहीं किया वो कौन सा पार्ट है बस वन लीफ एंड ओके कलर किया three by fourth part. अब यहां पे ट्राइंगल का थ्री बाय कलर करना बहुत इजी है आप इस वाले पार्ट को कलर कर दो आप इस वाले को कलर कर दो आप इस वाले पार्ट को कलर कर दो दोनिंग पार्ट इज दिस ओनली ठीक है तो ये वाला पार्ट आपका कलर हो जाएगा यस yes, तो दिस पार्ट वी विल कलर ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए दिस पार्ट वी विल कलर ओके स्टूडेंट्स एंड दिस पार्ट वी विल कलर तो ये हमने थ्री बाय फोर्थ पार्ट कलर कर दिया से वन बाय फोर्थ पार्ट इज रिमेनिंग ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमने थ्री बाय फोर्थ पार्ट को कलर किया है अंडरस्टूड आपको थ्री बाय फोर्थ पार्ट भी समझ में आ गया पूरे होल में से से वन बाय फोर निकाल दो तो जो बच रहा है डाट इज थ्री बाय ओके चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो हमने अभी हाफ देखा वन बाय फोर देखा थ्री बाय फोर भी देखा ठीक है और पूरा तो हमारे पास वन यानी फुल होता है ठीक है अब देखो ड्रॉ फोर डिफरेंट वेज टू डिवाइड द स्क्वायर इन टू हाफ हमारे पास फोर स्क्वास है हमें फोर डिफरेंट वेज बताने हैं जिनसे हम स्क्वायर को टू टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो आप इसको लाइक like दिस हमने हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ कर दी स्क्वायर तो के टू पार्ट्स हो गए अब हमने यहां पे वर्टिकल वन लाइन ड्रॉ कर दी फिर अब यहां पे टू इक्वल पार्ट्स हो गए ठीक है अब यहां पे आप स्लैंटिंग डायग्नल इक्वल इक्वल सेम हियर यहां यहां से डिवाइड कर दो, तो दो। वहां पे हमने डट कॉर्नर यूज करे थे अब यहां आपने उसके ऑपोजिट कॉर्नर यूज कर लिए तो दीज टू ट्राइंगल्स तो हमने स्क्वायर को फोर डिफरेंट वेज से टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया यस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायग्नली फ्रॉम बोथ द साइड्स ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यस नाउ मैच द फॉलोइंग अब हमें मैचिंग करनी है यहां पे फिगर दिया है और उस फिगर को हम क्या बोलेंगे उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे वो हमें मैच करना है तो टेल मी वेरी फास्ट ये क्या है पूरे सर्कल का ये पार्ट क्या है जल्दी से बताइए यस दिस इज वन बाय फोर क्वार्टर और 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो दिस इज 1/4 तो यहां पे ये हो गया हमारा क्वार्टर एंड दिस इज 1/4 अंडरस्टूड स्टूडेंट्स दिस इज क्वार्टर माने हाफ का हाफ ये देखो ये होता है हाफ और ये हाफ का भी हाफ है ओके सो दिस इज क्वार्टर एंड क्वार्टर मींस 1/4 अंडरस्टूड नाउ सी दिस फिगर ये फिगर क्या है इसमें हमें हाफ वाला पार्ट डिपेक्ट हो रहा है ठीक है आप शेडेड पार्ट को देखो शेडेड पार्ट हमें क्या दिखा रहा है हाफ माने पूरे फिगर का आधा सो दैट इज हाफ और ये हाफ मीन बाई टू अंडरस्टंडर मीन्स वन बाय फोर हाफ मीन्स वन बाय टू रिमेंबर क्वार्टर मीन्स वन बाय फोर एंड हाफ मीन्स वन बाय टू ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं हम यस नाउ सी दिस फिगर मैं हम आपको यही समझाने चाह रही थी ये क्या है देखो शेडेड पार्ट ये आधा और ये आधे का भी आधा तो क्या बच गया इसमें इसमें सिर्फ वन बाय फोर बच गया है तो शेडेड पार्ट क्या है हमारे पास थ्री बाय फोर डेट इज थ्री क्वार्टर वन बाय फोर को हम सिर्फ क्वार्टर बोलेंगे और थ्री बाय फोर को हम क्या बोलेंगे थ्री क्वार्टर सो दिस इज थ्री क्वार्टर हमने ये मैच किया एंड दिस इज थ्री बाय फोर

क्वार्टर किसे बोलते हैं थ्री क्वार्टर किसे बोलते हैं और होल मीन किसे बोलते हैं राइट right? अच्छे से फिगर्स आपके माइंड में okay, students, चलो आगे बढ़ते हैं, yes. Now, अभी तक हम फ्रैक्शन uh, uh, पढ़ रहे थे ना पार्ट पढ़ रहे थे होल के वन बाय टू वन बाय फोर थ्री बाय फोर अब क्या है हमारे पास प्राइस लिस्ट ऑफ अ ग्रोसरी शॉप इज गिवेन बिलो ठीक है एक ग्रोसरी ग्रोसरी शॉप की प्राइस लिस्ट दी गई है हमारे पास तो क्या क्या आइटम्स है ग्रोसरी शॉप में राइस राइस है 85 फाइव रुपीज के जी ऑब्लिक के जी मैंने वन के जी राइस कितने का है एटी फाइव रुपीज का ओके स्टूडेंट्स शुगर ट्वेंटी एट रुपीज पर के जी वन के जी तुअर दाल 90 रुपीज पर के जी सॉल्ट ट्वेंटी रुपीज पर के जी घी टू ट्वेंटी रुपीज पर के जी तो ये प्राइस लिस्ट आपको पता चल गई क्या है जनरल स्टोर का नाम मुस्कान जनरल स्टोर ठीक है अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको प्राइस लिस्ट देख के उनका आंसर बताना है ठीक है चल कॉस्ट ऑफ वन बाय टू के जी शुगर इज वन बाय टू मीन्स हाफ ओके तो यहाँ पे शुगर का प्राइस क्या है 28 माने मानी हाफ के जी ट्वेंटी वन केजी जी का हमको हाफ के जी निकालना है तो ट्वेंटी एट रुपीज है शुगर ट्वेंटी एट रुपीज हमें हाफ के जी निकालना है ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू मैम ने आपको वहां पे बताना सिखाया था एट का क्वार्टर निकालना सेम हियर ट्वेंटी एट का हमें हाफ निकालना है ट्वेंटी एट का आधा ठीक है माने एक किलो शुगर वन के जी शुगर तो हाफ के जी शुगर कुछ नहीं है तो वन को एज्यूम कर लो मान लो अब हमें इसे क्रॉस में डिवाइड करना है ठीक है टेबल आना चाहिए आपको स्टूडेंट्स वन वन कट जाएगा ट्वेंटी एट को टू से काटना है या डिवाइड करना है चलो साइड में हम डिवाइड कर लेते हैं ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय टू टू वन जा, टू एट को नीचे तारा टू फोर ओके स्टूडेंट्स, तो टू जा, ट्वेंटी भी कर सकते थे two. Two बहुत हो जाता. डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है. टेबल पढ़ो और मैनुअली फटाफट कट कर लो तो ट्वेंटी एट कैसे जाता टू वन झा टू टू फोरजा एट सो हाफ के जी शुगर कितने रुपीज की आएगी हमारे पास फोर्टीन रुपीज की Understood? क्योंकि वन के जी ट्वेंटी एट रुपीज की है तो हाफ के जी कितने की होगी फोर्टीन रुपीज की ठीक है समझ गए आप टोटल को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो आंसर मिल जाएगा हमको चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यस कॉस्ट ऑफ थ्री बाय फोर के जी सोल्ट इज सॉल्ट का हमें थ्री बाय फोर्थ लेना है कितना के जी लेना है थ्री बाय फोर्थ सोल्ट कितने का है ट्वेंटी रुपीज के जी है ठीक है तो सेम ही है जैसे हमने किया था ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय फोर अंडरस्टर्ड यस ट्वेंटी के नीचे कुछ नहीं है कर लो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो ठीक है आ, यहां कुछ नहीं थ्री और वन जा तो वन थ्री झा थ्री नहीं कटेगा थ्री का थ्री रहेगा फोर फाइव ट्वेंटी पूरा का पूरा ट्वेंटी कट गया फोर से फोर के टेबल में आता है फोर फाइव झा ट्वेंटी अब यहां पे बच रहा है थ्री तो फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करो फाइव थ्री फिफ्टीन तो थ्री बाय फोर किलो ऑफ ऑफ सॉल्ट इज रुपीज फिफ्टीन वन के जी ट्वेंटी रुपीज का आया तो थ्री बाय फोर के जी आएगा फिफ्टीन रुपीज का कितना आएगा थ्री बाय फोर के जी फिफ्टीन रुपीज का माने साढ़े सात सौ ग्राम देखो टोटल होता है वन के जी हाफ को हम फाइव हंड्रेड ग्राम भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद थ्री बाय फोर को हम सेवन फिफ्टी बोलते हैं और वन बाय फोर को हम टू फिफ्टी बोलते हैं तो थ्री बाय फोर में सेवन फिफ्टी ग्राम्स कितने का आएगा पंद्रह रुपए का थ्री बाय फोर ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ठीक है कुछ नहीं करना जितना फ्रैक्शन दिया है उसको टोटल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है डेथ सेट और फिर क्रॉस में कट करना है ठीक है चलो अब आगे क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ वन बाय टू के जी ऑफ तूर दाल और तुअर दाल ठीक है तो कॉस्ट ऑफ वन बाय टू के जी ऑफ तुअर दाल मैंने तुअर दाल हाफ के जी कितने की होगी तुअर दाल वन के जी नाइन्टी की है तो हाफ के जी कितने की होगी सेम वैसे बेटा नाइन्टी को मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू वेरी इजी समझ गए अब आप करना यहाँ पे वन एज्यूम कर लो वन वन कट जाएगा अब 90 को टू से कट करना है ठीक है डिवाइड कर अगर 90 आपको लग रहा है कि अरे कट नहीं हो रहा डिवाइड कर लो वेरी इजी ये 90 डिवाइड कर लो टू से टू वन जा टू 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 फोर टू थ्री टू फोर जा एट नाइन में से एट गया तो वन जीरो को नीचे उतारो टू फाइव जा तो क्या आया आंसर फोर्टी फाइव ओके सो हाफ के जी ऑफ तुअर दाल फोर्टी फाइव रुपीज वन के जी नाइंटी रुपीज की थी तो नाइंटी का हाफ फोर्टी फाइव होता है ओके तो दिस इज द मेथड हाउ यू कैन हाउ यू विल गेट द आंसर नाउ कॉस्ट ऑफ वन बाय फोर के जी घी अब घी का वन बाय फोर के जी लेना है आपको मैंने आधे का भी आधा घी लेना है टू फिफ्टी ग्राम्स लेना है ठीक है तो घी का कॉस्ट क्या है 220 रुपीस केजी 220 रुपीस केजी चलो यहां सॉल्व करते हैं 220 रुपीस केजी और हमें 1/4 लेना है तो 220 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/4 यहाँ पे नीचे वन एज्यूम कर लो वन वन कट जाएगा अब यहाँ काटना है हमें 220 को 4 से ठीक है डिवाइड करके देख लेते हैं चलो यहां कर लेते हैं ठीक है 4 220 को डिवाइड करना है 4 से ओके स्टूडेंट्स तो चलो ये टू नंबर लेंगे हम फोर फाइव जै ट्वेंटी फोर सिक्स ट्वेंटी फोर तो फोर फाइव ट्वेंटी ले लेंगे फोर सिक्स ट्वेंटी फोर तो ज्यादा हो जाएगा टू नीचे ये कट गया ये वाला जीरो नीचे उतारा अगेन टू फाइव जा ट्वेंटी तो टू ट्वेंटी का वन बाय फोर कितना आया फिफ्टी फाइव रुपीज का अंडरस्टूड कैसे करा हमने बहुत सिंपल जितना पार्ट हमें चाहिए था उसको हम जो हमें हमारे पास टोटल कॉस्ट है वन के का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है उसके बाद क्रॉस में कट कर लो या डिवाइड कर लो यू विल गेट द आंसर ठीक है समझ में आया वन बाय टू चाहिए जितना कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू थ्री बाय फोर्थ चाहिए जितना कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय न बाय फोर चाहिए जितना कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय फोर ओके स्टूडेंट्स तो आया ना मजा करने में डिवाइड आपको अच्छे से आना चाहिए बेटा टेबल्स अच्छे से लर्न कर लर्न कर कर लो ठीक है टेबल लोगे तो आपके लिए मल्टीप्लीकेशन भी इजी है और डिविजन भी ईजी है राइट right? चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब इसी पे बेस्ड हमें और क्वेश्चन है देखो क्या क्वेश्चन है सानिया परचेज हाफ के जी ऑफ घी एंड हाफ के जी ऑफ शुगर हाउ मच मनी डिट शी पे ठीक है अब सानिया को हाफ के जी घी लेना है और हाफ के जी शुगर लेना है ठीक है हाफ के जी घी एंड हाफ के जी शुगर घी यहाँ पे घी है 220 तो 220 का आधा और शुगर 28 28 का आधा ठीक है 220 और 28 का आधा तो घी का 220 का हाफ और ट्वेंटी एट का हाफ वेरी सिंपल ठीक है सेम ईयर आपको वन एज्यूम करके क्रॉस में डिवाइड कर दो कट कर दो टू वन जो टू वन जा टू और ये जीरो टू जीरो हाफ के जी घी आएगा वन हंड्रेड एंड टेन रुपीज का हाफ के जी ऑफ शुगर आएगी फोर्टीन रुपीज की दोनों को ऐड कर दो क्योंकि क्या पूछा हाउ मच मनी डिड शी पे टोटल उसने कितना पे किया वन वन जीरो प्लस फोर्टीन फोर वन प्लस वन टू एंड वन तो हाउ हाउ मच शी पेड शी पेड रुपीज वन ट्वेंटी फोर हाफ के जी घी का और हाफ के जी शुगर का ओके स्टूडेंट्स ठीक है चलो अब निकालना है हमें विच कॉस्ट मोर किसका प्राइस ज्यादा है वन बाय फोर घी का कि वन बाय टू के जी तुअर दाल का माने वन बाय फोर के जी घी ज्यादा महंगा है कि हाफ के जी तुअर दाल ज्यादा महंगी है तुअर दाल का प्राइस क्या है नाइनटी रुपीज के जी ठीक है अब देखो वन बाय फोर ऑफ घी वन बाय फोर ऑफ घी हम कैसे निकालेंगे अभी हमने वही निकाला था टू ट्वेंटी इंटू वन बाय फोर है ना हमने आंसर निकाला था ये एज्यूम कर लेंगे कट कर लेते फोर फाइव जो और फोर फाइव जो तो फिफ्टी हुआ किसका घी का प्राइस और तुअर दाल का नाइनटी माने नाइनटी वन बाय टू टू फोरजा एट फाइव फोर्टी फाइव ठीक है आप डिवाइड करो मैम ने फटाफट कट कर लिया कैसे कट किया टू जा एट एट नाइन नाइन में से एट गया तो वन बचा जीरो नीचे उतारा तो टू फाइव टेन फोर्टी फाइव आंसर फोर्टी फाइव इज द आंसर तो घी वन बाय फोर के जी घी है फिफ्टी फाइव रुपीज का और हाफ के जी तुअर दाल है फोर्टी फाइव रुपीज की तो किसका कॉस्ट ज्यादा हुआ स्टूडेंट अफकोर्स घी का कॉस्ट तो विच कॉस्ट मोर वन बाय फोर के जी घी कॉस्ट मोर ओके स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर क्योंकि वन बाय फोर के जी घी भी फिफ्टी फाइव रुपीज का है ठीक है सी द नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Surbhi has only rupees hundred हर कैन शी बाय buy half kg राइस एंड half kg sugar? शुगर के पास सिर्फ हंड्रेड रुपीज हैं, तो क्या वो आधा किलो राइस और आधा किलो शुगर ले सकती है देखो आधा किलो शुगर तो आएगा फोर्टीन रुपीज का ठीक है तो फोर्टीन रुपीज का आया शुगर ठीक है क्योंकि हमने शुगर को देख लिया है एट रुपीज के तो हाफ हुआ 14, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था अब राइस तो राइस हाफ क्या रुपीज के जी है राइस है हमारे पास एटी फाइव रुपीज ठीक है और एटी फाइव तो एटी फाइव का हमें हाफ कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स तो एटी फाइव का हम हाफ कैलकुलेट करेंगे तो ये एटी फाइव को सीधे सीधे हमें डिवाइड करना है आ, फाइव नहीं कटेगा तो हम इसको एटी फाइव डिवाइडेड बाय टू क्योंकि हमें उसका हाफ निकालना है टू जा फोर टू टू झा फोर फोर टू झा टू फोर झा एट सॉरी टू फोर जा एट ठीक है फाइव नीचे उतारा टू टू झा फोर वन बचा पॉइंट जीरो टू फाइव जा टेन टेन कट जाएगा ओके तो फोर्टी टू रुपीज फाइव पैसा दोनों को ऐड कर दो फोर्टी टू प्लस फोर्टीन फोर्टी टू

उ मच शुगर कैन बी बॉट विथ ट्वेंटी कितनी शुगर ले सकते हैं तो शुगर का प्राइस है ट्वेंटी एट रुपीज के जी ये देखिए ठीक है तो ट्वेंटी वन रुपीज से हम कितनी शुगर ले सकते हैं तो आपको क्या करना है सीधे सीधे देखो ट्वेंटी एट रुपीज आपके पास है ठीक है ओके स्टूडेंट्स सो हमें मालूम है शुगर का प्राइस है ट्वेंटी एट रुपीज ठीक है और ट्वेंटी हम कितनी शुगर परचेज कर सकते हैं देखो ट्वेंटी एट का हाफ होता है 14, मतलब हाफ जी शुगर तो हम ले ही सकते हैं अभी हमने कैलकुलेट किया था ना ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय बाई टू फोर्टीन निकला था तो फोर्टीन रुपीज के तो हाफ के जी शुगर आ जाएगी लेकिन ट्वेंटी वन फोर्टीन से ज्यादा है सो लेट अस थिंक थ्री बाय फोर अब हम देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं तो 28 को 3 बाय फोर से मल्टीप्लाई करो यहां पे वन एज्यूम कर लो क्रॉस में कट करेंगे फोर सेवन ज्वेंटी एट एंड सेवन थ्री झा ट्वेंटी वन यस तो ट्वेंटी वन हुआ पूरे टोटल का थ्री बाय फोर ओके तो हाउ मच शुगर कैन बी ब्रॉट विथ ट्वेंटी वन रूपीज वी कैन परचेज थ्री बाय फोर के जी कितनी शुगर हम परचेज कर सकते हैं थ्री बाय फोर के जी ऑफ शुगर अंडरस्टूड स्टूडेंट्स क्योंकि 21 28 का 3/4 होता है राइट right स्टूडेंट्स तो ये समझ में आया आपको कैसे हमने फ्रैक्शंस किया बहुत मजेदार है बहुत इंटरेस्टिंग है बस आप अच्छे पूरे कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करिए राइट स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमने हमारी वर्कशीट का पार्ट वन कंप्लीट कर दिया है जिसमें हमने हाफ देखा क्वार्टर देखा 3/4 देखा फुल देखा और हमने कैसे प्राइजेस को उसका हाफ निकाला वन बाय फोर निकाला थ्री बाय फोर निकाला ओके okay, स्टूडेंट्स तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा फिर मिलेंगे हम आपसे सेकेंड पार्ट के साथ टिल देन बाय, टेक केयर